प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें, इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलत फहमियां फैले और उन गलत फहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदि हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपिल पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो इस भाव का सर्वदा अभाव था, इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार यह रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है, तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए, वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें।
किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं, आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए, निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। सर आपने कहा ऐसी ताकतें हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे किसान नेता हैं जो आपकी और सरकार की और किसान नेताओं की बातचीत को सफल नहीं हुई? देखिए स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए इसको बारीकी से वो देख रही है। तोमर साहब अभी तक जो है आपका आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियंस को टॉक्स में बुलाने के लिए, आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसा चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल हैपन। 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई, कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। तो मतलब आपने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर किसान का हित सर्वोपरि नहीं है और दूसरे हित अगर सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसान के हित में निर्णय नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है और मैंने आज सहमत लोगों को और सहमत नहीं जो हैं उन सबको अपनी ओर से आभार प्रकट किया है चर्चा को सार्थक और सौहार्द बनाए रखने के लिए। आज किसानों ने तो आपसे कह दिया कि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके ऑफर, तो अब और किस निर्णय का वेट कर रही है सरकार? नहीं, सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। दो किसान जिन्होंने कहा कि उनपे अटैक हुआ था दिल्ली पुलिस की कुछ किसी तरह की उनपे कमेंट करा, दूसरा सर अब 26 जनवरी को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या बात है? देखिए दरअसल क्या है, मैंने उनको आग्रह किया है कि आपने आंदोलन को अनुशासित रखने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता रहा हूँ, अंदर की चर्चा में भी धन्यवाद देता रहा हूँ और मैंने आशा व्यक्त की है कि आप लोग आगे भी जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन हिंसक ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो और अनुशासन बना रहे, यह मेरी निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है। अगर वो अपना निर्णय नहीं देते तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है? अगर वो मना करते हैं लक्ष्मी कल तो होने दो मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए, आशा से ही आसमान टिका हुआ है। ऐसी नहीं है कि जो शायद इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव है कुछ यूनियंस का, क्योंकि कल वहां से भी जब मीटिंग आ रही थी तो कुछ लोग कहते थे कि हमने इनकार कर दिया, जब कुछ लोग कहते थे कि अभी फैसला नहीं हुआ, यूनियंस में भी आपको लगा कि कुछ लोग इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव है? मैंने पूर्व में ही कहा, शायद आपको ध्यान नहीं दे पाए होंगे, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं, लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और स्वादपूर्ण वातावरण में चर्चा। सर आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को कब तक बैठते देंगे?
देखिए दरअसल क्या मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। नहीं मान के नहीं चल सकते भाई। बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेगा। ये तो कितनी बार बोलूं, आप अपनी तरफ से लिख लो बिना बोले। धन्यवाद। देखिए इस वक्त की, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुना आपने, और ये बड़ी और अहम खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा किसानों के हित में सोचा है, किसानों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, सरकार किसानों की सभी शंकाओं को दूर करेगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसानों को भड़काया जा रहा है, इन कृषि कानूनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के हित में सोचती है, किसानों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है और सरकार किसानों की सभी शंकाओं को दूर करेगी। और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को कहा कि कृषि कानूनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस वक्त पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। 12वें दौर की बैठक भी आज बेनतीजा रही। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री पत्रकारों से मुखातिब हुए, बैठक में किन विषयों को लेकर चर्चा की गई ये भी बताया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, कृषि कानूनों में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, बिंदुवार चर्चा हो रही है, भारत सरकार ने हमेशा किसानों के हित में ही सोचा है, भारत सरकार ने हमेशा किसानों के पक्ष में ही निर्णय दिया है और किसानों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा सरकार किसानों की सभी शंकाओं को दूर करेगी, सरकार किसानों की तमाम शंकाओं को दूर करेगी, तमाम संदेहों को दूर करेगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, भारत सरकार ने हमेशा किसानों के हित में सोचा है, भारत कृषि प्रधान देश है और आधी से ज्यादा आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर है, तो इसीलिए कभी भी किसानों का बुरा नहीं सोचा, किसानों के हित में तमाम फैसले भारत सरकार लेकर आई है। और इसी बीच उन्होंने तीनों कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, इन कृषि कानूनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो 12वें दौर की बैठक आज बेनतीजा रही। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तीन कृषि कानून किसानों के हित में है, इन कानूनों में कोई खामियां नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा किसानों के हित में ही सोचा है, किसानों के भले के लिए ही तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तमाम रणनीतियां यहां बनाई हैं, सरकार किसानों की सभी शंकाओं को दूर करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को कहा है कि कृषि कानूनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि किसानों को फिलहाल भड़काया जा रहा है।